अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने पहले बता दिया कि हंगरी स्टाइपेंडियम हंगेरिकम का फॉर्म कैसे भरा जाए और कैसे उसमें अपनी प्रायोरिटीज रखी जाए, पूरा प्रोसीजर बता दिया था उसके हवाले से। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि कुछ दोस्तों ऑफ कन्फ्यूजन थी कि HEC का फॉर्म कैसे भरे हैं, उसमें क्या क्या कैसे भरना है, कौन सी फील्ड का है, तो आज मैं वो बताने वाला हूँ। पहले तो HEC की ये वेबसाइट है eportal.hec.gov.pk, जैसे आप इंटर करेंगे तो अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर अपना NIC और पासवर्ड डालेंगे। अगर नहीं है तो आप रजिस्टर करेंगे, पहले अपना अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर आपकी नेशनलिटी पाकिस्तान और आपका CNIC टाइप, CNIC और CNIC नंबर और रीजन क्या है आपका, किस रीजन का, किस प्रोविंस का आपका CNIC है वो रखेंगे। उसके बाद पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और अपना मोबाइल नंबर कौन सी कंट्री का है वो देंगे और अपना मोबाइल नंबर देंगे। आप मोबाइल नंबर देंगे तो आपको वहाँ पर भी कोड आएगा, और ये जब मोबाइल नंबर देंगे कोड वो कंप्लीट करें तो फिर ईमेल भी देनी पड़ेगी, उस पर भी कोड आएगा, वो आपको दोनों वेरीफाई करके उसके बाद ही आपको कोड मिलाना पड़ेगा। पर मेरा तो पहले बना हुआ है, मैं वो करूँगा। एक बार बन गया तो उसके बाद आप सिर्फ साइन नहीं करेंगे। फिर सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, ठीक है। माय प्रोफाइल में आके आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। नाम लिखना है, लास्ट नेम, मैरिटल स्टेटस लिखनी है, जेंडर लिखना है और पिक्चर अपलोड करनी है अपनी पासपोर्ट साइज, और जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, रिलीजन लिखना है और डोमिसाइल कहाँ का है आपका और सिटी क्या है आपके डोमिसाइल का और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो लिखना है। खुद ही आ जाए खुद ही। उसके बाद अपने फादर का नेम लिखना है, उनका NIC लिखना है और उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो लिखना है आपने, और ये बताना है कि अभी आपके वालिद जिंदा हैं या नहीं हैं और करंटली एम्प्लॉयड पे टिक करना है। उसके बाद कॉन्टेक्ट करना है। कॉन्टेक्ट में आपने कंट्री, सिटी देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, एड्रेस देनी है अपनी, ये वो है जो आपकी परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। आपके CNIC पर जो परमानेंट एड्रेस होगी, मतलब कहते हैं कि भाई पहले कुछ और थी एड्रेस, अब कुछ और है, तो जो पहले वाली थी परमानेंट थी आपकी, तो वो आप यहाँ पर वो डालेंगे। और नीचे जो है मेलिंग एड्रेस, अगर आपको कोई कोरियर वगैरह आए तो किस एड्रेस पर आए, यहाँ पर आप वो एड्रेस लिखेंगे। और यहाँ पर जो है जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, करंट एड्रेस, अगर हाँ तीनों सेम ही है तो आप तीनों सेम भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पर आप अपनी ईमेल नंबर देंगे। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन में आप सेकेंडरी और हायर, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों देनी पड़ेगी, अपनी हाई स्कूल की भी देनी पड़ेगी और इंटरमीडिएट कॉलेज की भी देनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने तो फिल की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ के यहाँ पर अगर किसी ने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर अपनी बैचलर की भी ऐड करेंगे। क्वालिफिकेशन लेवल आ जाएगी कि आपकी किस लेवल की इंटर करना चाहते हैं। अगर आप सपोज कीजिए पहले इंटरमीडिएट करना चाहते हैं तो वो आपकी इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट पे टिक करेंगे, नहीं तो सही है। अच्छा, कब से स्टार्ट किया था आपने, डेट, मंथ और ईयर लिखेंगे और कब ख़त्म हुआ, अगर ख़त्म नहीं हुआ तो करंटली इनरोल पे टिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद कंट्री, आपके मतलब कॉलेज किस कंट्री में है, किस सिटी में है, सही है। और डिग्री और इंस्टीट्यूट का नेम, इंस्टीट्यूट क्या, मतलब एक बोर्ड होता है वो कौन सा लगता है, कौन से बोर्ड से आपको डिग्री और आपके कॉलेज या स्कूल का नाम आएगा। इंस्टीट्यूट सेक्टर क्या है, प्राइवेट है या पब्लिक है, प्रोग्राम क्या है, जैसे प्रोग्राम टाइटल और डिसिप्लिन क्या है, जैसे प्रोग्राम टाइटल आपका हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है, और डिसिप्लिन आपका प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल हो गया, मेजर क्या थे वो लिखने, रोल नंबर क्या था, एजुकेशन सिस्टम कौन सा था, एनुअल था, सेमेस्टर था, टर्म था वो लिखना है, टोटल मार्क्स कितनी थी और आपने कितनी ली वो लिखना है। सो ये इसका डिटेल है, ये आप दोनों के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए दोनों इंटर करेंगे यहाँ पर, सही है।
और एम्प्लॉयमेंट अगर आप हैं एम्प्लॉय हैं तो आप इसमें अपनी डिटेल ऐड कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट हो गया, सर्टिफिकेशंस हो गए, एक्चुअली ये आप ना भी फिल करें तो इट्स नॉट अ बिग डील। स्किल्स अगर हैं आपकी तो ठीक है, फिल कर दें अपना, लीव इट। रिलेशंस रेफरेंस भी अगर है किसी का तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो इट डजंट मैटर। तो लास्ट में आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड लाजमी करने हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर दो कॉलम्स होंगे, एक आपका पर्सनल डिटेल्स डॉक्यूमेंट होंगे जिसमें आपका जैसे डोमिसाइल आ जाता है, CNIC आ जाता है, और एक आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लिस्ट होगी जिसमें आपके एजुकेशनल आ जाते हैं, लाइक ट्रांसक्रिप्ट हो गई और सर्टिफिकेट्स हो गए। अच्छा, पिछले वीडियो से कुछ मैसेजेस थे कि ट्रांसक्रिप्ट्स क्या हैं, तो ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट्स को कहते हैं, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, अब सेवन क्लोज करेंगे। सेवन क्लोज करने के बाद, ये पूरा कंप्लीट करने के बाद, फिर आप आएंगे स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स में, और यहाँ पर आपका होगा एकेडमिक एंड रिसर्च लिंकेजेस, और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा हंगेरियन का। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना वही हंगेरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कोई बैचलर के लिए कर रहा है तो डिसिप्लिन आपका क्या है वो उस पर क्लिक करेंगे, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाइक, और आपकी यहाँ यहाँ पे जो है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या है वो पूछेंगे। जैसे कोई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहता है तो, और यहाँ पर यस करना है, नेक्स्ट करेंगे। ओह, मैंने पहले भी खोला हुआ है तो इसलिए अच्छा, एक्चुअली ये मेरा नहीं है, किसी फ्रेंड का मैं भर रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने पहले भी ये किया हुआ है तो इसलिए मुझे एरर दिया। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म आ जाएगा ऐसा। यहाँ पर आपने फॉरेन कंट्री सेलेक्ट मतलब कंट्री सेलेक्ट करना है, वो एक ये हंगरी है आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर आपने जो हंगरी वाले फॉर्म में जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किए हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, यहाँ पर आप उनके नाम लिखेंगे। तो मैंने तो ऐसे ही एग्जांपल दिए हुए, अच्छा फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में वो लिखेंगे, और यहाँ पर टिक करेंगे कि अगर ये यूनिवर्सिटीज यूनेस्को वेबसाइट पे अवेलेबल हैं या नहीं तो वो चेक करेगा। अच्छा, टेस्ट सेंटर, आप टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं HEC की, अब वो शेयर इन पाँचों में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। रिसर्च प्रपोजल एक्चुअली PhD वालों के लिए वो लिखेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको लिखना है सबको, यहाँ पर वो लिखेंगे। इसलिए इतना सा नहीं होता, आप तकरीबन 1000 words तक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या ऐसा ही कुछ होता है, 500 से 1000 words मेरे ख्याल से होता है, वो लिखना जितना आपका हो सके। मैंने तो ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, और उसके बाद आप आएंगे एप्लीकेशन डिटेल्स में। एप्लीकेशन डिटेल्स में यहाँ पे आपको अपना AEF स्कोर बताएगा, जैसे आप मार्क्स वगैरह ऐड करेंगे तो, और यहाँ पर ये बताएगा कि प्रोफेशनल डिग्री है कि नहीं, ये आपके रिकॉर्ड दिखाएगा कि आपकी प्रीवियस कोई स्कॉलरशिप सेक्शन है या नहीं है तो वो आपको दिखाएगा। इट डजंट मैटर। लास्ट में आप अंडरटेकिंग में जाएंगे, और यहाँ अंडरटेकिंग में आपको जो बैंक में डिपॉजिट स्लिप करेंगे, जो HEC के अकाउंट में आप 300 रुपीज़ भेजेंगे, तो उस डिपॉजिट स्लिप का नंबर लिखेंगे यहाँ पर, कोड जो होता है, और डेट कौन सी पे कराई थी वो लिखेंगे, और अमाउंट कितना था वो लिखेंगे, बैंक नेम क्या है वो लिखेंगे, और ब्रांच कोड और उस बैंक की कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर करने के बाद उसके बाद अंडरटेकिंग भी आपने टिक करना है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि आपके हो गए बैंक चालान हो गया वो स्कैन करके आपने अपलोड करना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आपने लिखना है वो भी अपलोड करना है यहाँ पर, और सर्च प्रपोजल भी अगर PhD वाले हैं तो वो भी, और यहाँ पर आप जो है अच्छा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जो प्रोफाइल में था वहाँ पर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह भी अपलोड करने हैं, जो आप TPF भी कर रहे हैं वो यहाँ अपने यहाँ भी करने हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी करना है। ओके,
उसके बाद बस यही प्रोसेस है इसका अंडरटेकिंग, ये सारा कंप्लीट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म आएगा, वो आप प्रिंट करके अपने रिकॉर्ड के लिए रख देंगे। जैसे अगर कोई भेजना चाहता है HEC को तो डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा के किसी 17 ग्रेड ऑफिसर से वो भेज सकते हैं, लेकिन इस बार जो है HEC ने पॉइंट में ये भी लिखा है कि आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है सिर्फ प्रिंट करके अपने रिकॉर्ड के लिए रख दें। तो अगर आप सेटिस्फाई नहीं है उससे तो आप उनको भेज भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कि बस इतना सा ही प्रोसेस था, कि अगर कोई कन्फ्यूजन है, जैसा कि पहले आपने मुझे कांटेक्ट किया था, मेरी फेसबुक आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मैसेज करिएगा, और प्लीज़ जो आपकी क्वारी है वही मैसेज करें, क्योंकि कुछ लोग बहुत सारी रुपेस आ रही हैं, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता रुपेस किसी की भी। तो प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट ना भेजें, आपका जो भी कन्फ्यूजन है आप मुझे मैसेज में बताएं और मैं आपको मैसेज में भी, और प्लीज़ हाय हेलो या ये चीज़ें लिखने ना लिखें, मुझे जो भी आपकी डायरेक्ट क्वारी है मुझे वही बताएं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आप सब हंगरी में होंगे नेक्स्ट ईयर। सी यू इन हंगरी।